हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डिज़ाइनिंग मौर्या। में आज हम सीखेंगे कॉलर ड्रॉ के बारे में। अगर कॉलर ड्रॉ में हमारा टूल बार, जैसे कि हो गया कलर बार और प्रॉपर्टीज़ बार में से कुछ भी डिलीट हो जाता है, तो हम उसको कैसे वापस लेके आए। ये जैसे चीज़ हम इंस्टीट्यूशन में जाते हैं तो वहाँ पे हमें ज़्यादा सिखाते नहीं है, बस हमें टूल्स के बारे में बता देते हैं, ये नहीं बताते कि कैसे वापस लेके आए। तो हम ये आज हम सीखते हैं। इसके दो तरीके हैं। पहले हम सीखेंगे आसान, जैसे आप देख ही रहे होंगे कि मेरे यहाँ पे टूल बार और कलर बार नहीं शो हो रहा है, तो हम इसको वापस कैसे लेके आए। अगर हमें टूल बार डिलीट हो गया तो हमें पहले जाना है विंडोज, ये सीधा यहाँ पे टूल बार बॉक्स, और ये देखो हमारा टूल बार वापस आ गया है। इसको हम साइड में इधर रख सकते हैं, ये इधर सेट हो गया है और हमारा कलर बार भी शो नहीं हो रहा है। तो हम इसको वापस लाने के लिए हम यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करके इसको हम जाएंगे व्यूज कलर प्रीफ्रेंस और हम इसको खोलेंगे। हमने अगर CNY के करना है तो हम CNY पे भी क्लिक करेंगे, अगर हमें RGB पे करना है तो हम RGB पे क्लिक करेंगे। तो हम मुझे चाहिए RGB, तो मैंने RGB क्लिक कर लिया और ये हमारे कलर आ गए हैं। उसको भी साइड पे रख सकते हैं। और एक और टेक्निक है वो हम सीखते हैं उसको, और ये वीडियो को पूरा देखें तो ही आपको समझ आएगा, नहीं तो अगर आप स्किप करके देखेंगे तो आपको समझ नहीं आएगा। इसलिए प्लीज़ ऐसे देखें, फुल देखें वीडियो को। हेलो फ्रेंड्स, और दूसरा तरीका है ये, हमें यहाँ पे स्पेस पे क्लिक करना है ऊपर ऊपर, यहाँ पे वर्क स्पेस एक्सपोर्ट। अगर ये आप वीडियो पहले देख रहे हैं, जैसे कि आपका अगर कुछ डिलीट नहीं हुआ तो हम आप भी पहले से सेव कर सकते हैं। तो इसको हमने जाना है यहाँ पे एक्सपोर्ट पे और इसको ऑल फाइल्स, यहाँ पे हम कुछ भी सेव कर सकते हैं। इसको अपने से टूल बार और इसको मैंने सेव कर दिया अपने डेस्कटॉप पे। जैसे मैंने यहाँ पे ये डिलीट कर दिया और यहाँ से मैं इसको भी डिलीट कर देता हूँ। ये बस मैं आपको दिखाने के लिए कर रहा हूँ, मैंने प्रॉपर्टीज बार डिलीट कर दिया। मैंने यहाँ पे स्पेस पे क्लिक किया, कस्टमाइज फिर किया, वर्क स्पेस इंपोर्ट, ये जो मैंने फाइल बनाई थी इस पर क्लिक करके ओपन, और यहाँ पे कर देना है इंपोर्ट। ये देखो गाइस, ये सब फिर से वापस आ गया। थैंक यू फ्रेंड्स मेरी वीडियो देखने के लिए, और मैं ऐसी वीडियो लाता रहूँगा। प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।